तो अगर अब आप यूपी में रहते हैं और अपराध करने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आप अपराध करके बच नहीं पाएंगे, अब आपकी खैर नहीं होगी, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। दरअसल अब यूपी में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। पहली बार अब लव जिहाद जैसे मामलों पर आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। बता दें कि यूपी सरकार ने सोमवार को विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। यानी कि अगर अब आप यूपी में रहकर लव जिहाद करते हैं तो आपको ताउम्र जेल में बितानी पड़ेगी। बता दें कि लव जिहाद के खिलाफ 2020 में योगी सरकार ने पहला कानून बनाया था जिसे और कड़ा करने का अध्यादेश सदन में पेश किया गया है। इसे जल्दी सदन में पास कराया जाएगा। बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। वहीं अगर दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। बता दें कि राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इन मामलों पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बता दें कि साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है। घर के लोग इसे देख सन्न रह गए। लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया, उसने उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया है। इसके बाद परिजनों ने लड़की के सामान की तलाशी ली तो पता चला कि अमन नाम का एक लड़का उसके संपर्क में है। उसके लिखे कई खत बरामद हुए। लड़की के परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो मुस्लिम लड़के को छोड़ दे, लेकिन उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो नहीं मानी। एक दिन पता चला कि वो उस लड़के के साथ घर से भाग गई। इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिमी यूपी के इलाकों में सामने आई थी, जिसके बाद यूपी में कड़े कानून बनाने की मांग की गई थी, जिसके बाद ही यूपी सरकार ने नए कानून बनाने की पेशकश की थी। बता दें कि विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नियत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है, तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। आइए अब आपको कुछ नियमों और अपराधों के बारे में बताते हैं कि आखिर कौन सा जुर्म करने पर अब कितने सालों की सजा होगी। धोखे, कपट, भैला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने, शादी करने पर 1 से 5 साल जेल, 15,000 का जुर्माना पहले था, लेकिन अब 3 से 10 साल जेल और 25,000 का जुर्माना होगा। नाबालिग महिला SC/ST संघ अपराध पर 2 से 10 साल जेल पहले थी और 25,000 का जुर्माना था, लेकिन अब 5 से 14 साल की जेल और 1,00,000 का जुर्माना होगा। अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर पहले 3 से 10 साल तक की जेल थी, 50,000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब 7 से 14 साल तक की जेल है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना है। नए अपराध, जेल और जुर्माना। दिव्यांग मानसिक दुर्बल को कपट, भैला फुसलाकर धर्म बदलवाने पर 5 से 14 साल तक की जेल, 1,00,000 रुपए जुर्माना। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल तक जेल, 10,00,000 रुपए जुर्माना। अवैध धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग महिला व्यक्ति की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास तक जेल, जुर्माना अदालत तय करेगी। कानून में एक और बदलाव किया गया है और वो है घटनाओं की सूचना देने वालों का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। पहले पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन या अन्य रक्त संबंधी जिससे विवाह या दत्तक संबंध हो, वो अपराध की सूचना दे सकता था। अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर इसकी सूचना पुलिस को दे सकेगा और उस पर जांच की जा सकेगी। कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती बना दिए गए हैं। इनका विचारण सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगा। बिना लोक अभियोजक को अवसर दिए जमानत के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब यूपी में अपराध करना
आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।